ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे, ग्रह, नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, ये मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक राशिफल बता रहे हैं। ये राशिफल है दिनांक 30 जनवरी 2021, श्री विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, दिन शनिवार। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, जो कि पिछले दिन शुक्रवार रात्रि 11:43 से प्रारंभ होकर आज रात्रि 10:14 तक रहेगी। तदोपरांत तृतीय तिथि रहेगी और नक्षत्र आज मघा रहेगा, जो कि आज पूर्ण दिन रहने के साथ साथ मध्य रात्रि के 2:28 तक प्रभावी रहेगा। फिर मध्य रात्रि उपरांत पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रदेव आज सिंह राशि में रहेंगे और आज का बीजीत मुहूर्त रहेगा, अर्थात कि आज का शुभ समय दिन के 12:12 से लेकर के दिन के 12:56 तक यह समय रहेगा। तो इस समय आप किसी भी शुभ और मंगल कार्य को कर सकते हैं, लेकिन शुभ के साथ साथ आपको आज के अशुभ समय का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, यानी कि आज के राहु काल के समय का। और ये समय आज सुबह के 9:52 से लेकर के सुबह के 11:13 तक ये समय रहेगा। तो इस समय का विशेष ध्यान रखते हुए किसी भी शुभ और मंगल कार्य को ना करिएगा, राहु काल का समय अशुभ समय माना गया है। तो मेष से लेकर मीन राशि वालों, क्या कहती है आज आपकी राशि, क्या कहते हैं आज आपके सितारे और आज आपको ऐसा क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सके। इसी क्रम में आइए सबसे पहले जानते अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज जाने अनजाने आपसे कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे आपकी इज्जत के 2 सितारे और बढ़ जाएंगे। कम मेहनत में भी आज आपको फायदा हो ही जाएगा। कामकाज में सफलता के योग तो हैं, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। पर भाइयों और दोस्तों की मदद से आज आपको अधिक फायदा हो सकता है। आप जो नया काम करना चाहते हैं वह भी आज शुरू हो सकता है। मकान या प्लाट संबंधित काम पूरे होने के भी योग बन रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात होती है तो वह भी सफल रहेगी। महत्वपूर्ण और नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। बस आप अपने कामों में लगे रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। पार्टनर के साथ रोमांस के कुछ अवसर मिलेंगे। नए लोगों से आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उस पर काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। आपके बोलने के तरीके और मीठी बातों से लोग प्रभावित हो सकते हैं। किसी पुराने दोस्त की मुलाकात से आपका मन भी खुश हो जाएगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आज के योग ये भी दर्शा रहे हैं कि ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है, यहां तक कि कोई गलतफहमी हो सकती है। तो इसलिए आज आप थोड़ा सावधान रहिएगा, कोशिश करिएगा कि ऐसी स्थिति ना बन पाए। और साथ ही कोई भी कार्य अपनी इच्छा अनुसार ही करिएगा। यदि आप अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगे तो आप आक्रामक भी हो सकते हैं। तो इसलिए आज आप किसी के दबाव में काम ना करें, जो आपका दिल कहे बस उसे ही करिए। इतनी ही बातों का आप ध्यान रखिए। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होने से लव लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। किसी बात पर जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। वहीं अविवाहित भी आज किसी की ओर आकर्षण महसूस करेंगे। करियर के नजरिए से बात करें तो आज का दिन निवेश के लिहाज से अच्छा नहीं है, तो इसलिए आज आपको ऐसा करने से बचना होगा। बस अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज का किया हुआ निवेश कहीं डूब भी सकता है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मन लगाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब माता की सेहत को लेकर जरा सावधान रहिएगा, और साथ ही पुरानी चोट या कट का दर्द भी बढ़ सकता है, इसलिए अपनी सेहत को लेकर सचेत रहिएगा और खासतौर पर अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाने डालें।